ਇਹਨਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀ ਤਾਂ 10 ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਲਈਏ ਤੇ ਇਨਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਔਰ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਗੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ठीक है कितने पैसे हैं पता नहीं 10 रुपए पर्ची के आपने देने हैं इनको खुले नहीं है ठीक है वो मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद जो है ना जब दोबारा हम वापस लेने आएंगे ना रिकवरी करने के लिए तब ये इन्होंने पैसे मांगने होते हैं क्या और अगर आप ना दें अगर आप 10 रुपए दें तो नहीं लेते ना वो फिर कहते गाड़ी को नहीं हाथ लगाना आप ऐसे जी ये मैंने कंप्लेन की है थोड़ी देर पहले आपके जो है कंप्लेन ऑफिस में ठीक है तो ऊपर से लड़के ने बदतमीजी भी की है और ऊपर से ये कह रहा है कि भाई ये हम सर्विस के पैसे लेते हैं मैंने कहा कौन सी सर्विस क्या था हम गाड़ी आगे पीछे करते हैं तो मैंने कहा फिर ये पर्ची पे आप पूछना था गाड़ी आगे पीछे करना कौन सी सर मैंने खुद अपनी गाड़ी को धोते हैं मोटरसाइकिल धोते हैं कोई काम करते हैं कुछ ऐसा नहीं करते मैंने खुद अपनी बाइक लगाई है ठीक है ये अपना नीचे से सिस्टम जो खराब है ना तो ये पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा कि हमारा नीचे से सिस्टम खराब है कितने पैसे दिए आपने मैंने 30 रुपए दिए हैं और कौन से लड़के को आपने दिए हैं कौन से लड़के को 30 रुपए दिए हैं वो लड़का है ये लड़का है इनसे कितने पैसे लिए हैं मैंने किस खुशी में ये मैंने की थी ना कंप्लेन कितने पैसे लिए हैं तुमने 30 रुपए जिसको मर्जी बताएं आप लोगों ने ये कहा था जिसको मर्जी आप बताएं कहा था आपसे मैंने बदतमीजी की नहीं है आप क्यों कह रहे हैं मेरे से बदतमीजी की है इसने आप हमारे खड़े हुए बदतमीजी से बात कर रहे हैं गंदे अल्फाज बोल रहे हैं अजीब अल्फाज बोल रहे हैं इसने बोला ही ऐसे है मुझे उन्होंने हमारे सामने आपसे तमीज से बात की है इनके वापस दें पैसे बात करना वो 9 बजे आएंगे हमारे साथ आपकी बहस नहीं बनती क्यों नहीं बनती पैसे तो आप लोग चार्ज कर रहे हैं जब पर्ची पे 10 रुपए लिखे हैं आप इनसे वापस लें अपने पैसे ये देंगे आपको कहाँ है आपकी बाइक मेरी बाइक इधर ही खड़ी है अभी आपने निकलवानी है बाइक निकालने लगे हैं निकालें अपनी बाइक ये आपको 20 रुपये वापस देंगे निकालें बाइक आप अपनी ठीक है